Chappelle Cut. फ्रेंड्स वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस. आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास फिफ्थ का EVS का लेसन नंबर 10 प्रोडक्शन ऑफ फूड. फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स. ऑल दिस फूड्स कम फ्रॉम द फील्ड्स वेयर द फार्मर्स ग्रो द फूड क्रॉप एंड देन सेल देम इन द मार्केट. मतलब फूड क्या है, एक बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए. फूड अलग अलग वैरायटी में अलग अलग प्रकार का होता है. ये कहाँ से आता है, सीधा खेतों से आता है जिसे फार्मर्स उगाते हैं और फिर मार्केट में सेल होता है. अब क्या है, इसकी फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है फार्मिंग. 3/4 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. सम फार्मर्स डू नॉट ऑन एनी लैंड, दे वर्क ऑन अदर्स लैंड और टेक अ पीस ऑफ लैंड ऑन रेंट. फार्मिंग इज ऑफ टू टाइप्स, कमर्शियल फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन अ लार्ज स्केल टू सेल द प्रोड्यूस फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट. सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द स्मॉल फार्मर्स ग्रो अ क्रॉप ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर हिज पर्सनल यूज. देखिए फार्मिंग मतलब हमारे इंडियन जो पॉपुलेशन है उसका 3/4 पार्ट क्या करता है, किस पर डिपेंडेंट है, कृषि पे, मतलब खेती पर. ठीक है, अब जो ये खेती है वो कोई कोई किसानों के खुद खेत होते हैं या तो फिर वो रेंट पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं. अब ये दो प्रकार की होती है, एक कैसी होती है कमर्शियल, जिसमें बड़े स्केल पे मतलब बड़ी ज़मीनों पे बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और जो अनाज होता है उसको लाभ के लिए मार्केट में बेचा जाता है. और एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें जो किसान होता है एक छोटे से ज़मीन के पार्ट पर खेती करता है, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए. आगे सीजनल माइग्रेशन. For subsistence farming, the farmers is dependent on the rain for water. Rainfall in India is a very erratic. During the time between two sowing seasons, the farmers need to took out of other sources of income. Later on, they return to the field. This is known as seasonal migration. मतलब क्या होता है, देखो जो फार्मर्स होते हैं वो खेती के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, वाटर पे. और जो हमारे इंडियन का मानसून है वो कैसा होता है कि दो बार बारिश होती है. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन टू सोइंग सीजन्स, मतलब दो सीजन्स आते हैं किस लिए, फसल को बोने के लिए. बाकी जो अदर टाइमिंग होता है उसमें क्या करते हैं किसान, दूसरे कामों में लग जाते हैं अपने, जिससे वो अदर इनकम कमा सके. और जब वापस से कृषि का टाइम आता है, जब सीजन आता है कृषि का, तो वापस से कृषि करने लगते हैं. इसे क्या बोलते हैं, सीजनल माइग्रेशन. अब एडवांटेज टेक्निक ऑफ फार्मिंग. विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, न्यू एंड एडवांस टेक्निक ऑफ फार्मिंग हैव बीन डेवलप्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब जो नई नई साइंस ने क्या इन्वेंट किए, नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, एडवांस टेक्निक मतलब लॉन्च की है, उससे क्या होता है कि जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं किसकी, अभी हमारी मतलब कृषि को डेवलप करने के लिए और अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए, ये भी क्या होती है, यूज़फुल होती है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर विद द मॉडर्न वंस इंश्योर अ गुड क्वालिटी हाई यील्ड. हियर आर सम ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इम्प्रूव मशीनरी. अ वेस्ट एरी ऑफ ट्रैक्टर्स एंड द फार्म इम्प्लीमेंट हैव बीन डेवलप्ड. दे आर पावर डिवर इन वेलिंग अ फास्टर एंड अ मोर एक्यूरेट एग्रीकल्चरल वर्क. ट्रैक्टर हैव रिप्लेस्ड बुलॉक एंड फ्लफ. कंबाइंड हार्वेस्टर्स डू द थ्रेसिंग एंड विनोइंग टुगेदर. मतलब इसमें क्या है, हमें ट्रैक्टर्स और अलग अलग इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग फास्टर टेक्निक, मतलब ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया. ये मशीन क्या करती है, फसल को काटने का, साफ करने का काम करती है. ठीक है, अब ट्रैक्टर की जगह मतलब पहले क्या करते थे किसान, बुलॉक मतलब बैल से क्या करते थे, खेत जोतते थे. लेकिन उसका काम अब, उसका जो प्लेस है मतलब उसको रिप्लेस करके उसकी जगह किसने ले ली, अब ट्रैक्टर ने ले ली है. कंबाइंड हार्वेस्टर, जो हार्वेस्टर होते हैं ठीक है, उस वो दोनों काम करते हैं, किस किस काम करते हैं, थ्रेसिंग का काम करते हैं और विनोइंग मतलब उसको साफ करने का काम करते हैं और उसको काटने का भी काम करते हैं. आगे बेटर सीड्स HYV हाई यील्ड वैरायटी. सीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट. दे आर डिजीज रेसिस्टेंस एंड गिव अ बेटर हेल्दियर यील्ड. They are very beneficial to the farmers and ensure more profits. They can be obtained from government
एजेंसीज कोऑपरेटिव सीड बैंक, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये देखो डेवलप करते हैं साइंस के थ्रू, साइंटिस्ट ने डेवलप किया है इसे। इससे क्या होता है, जो हमारी बोलते हैं ना फसल होती है, उससे वो किससे बचा सकते हैं, कीड़े मकोड़ों से, डिजीज से, क्योंकि फसलों को भी बीमारी हो जाती है। उससे क्या होती है कि अच्छी उपजाऊ फसल भी ख़राब हो जाती है, तो इससे क्या होता है फसल को बचाया जा सकता है और जो फार्मर से किसान होते हैं उन्हें लाभ मिलता है और वो ज़्यादा लाभ के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्टेन कहाँ से मिलती है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू या कोऑपरेटिव के थ्रू या सीड बैंक के थ्रू किसानों को अवेलेबल करवाई जाती है। अब सेकेंड प्रोसेस है इरीगेशन। इरीगेशन इज द मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स बाय मीन्स अदर देन रेनफॉल। ग्रोइंग क्रॉप्स नीड सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर। रेन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स, बट रेनफॉल इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इन अवर कंट्री। ऑल्सो सम क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर द अदर क्रॉप्स, हैंस इन प्लेस दैट रिसीव स्कैनेटी रेनफॉल मीन्स इरीगेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा है सिंचाई करना, ठीक है, ये देखिए सिंचाई करते ना, ये देखो देखो पानी दिखाई दे रहा है आपको, इसे उन्होंने रो बनाई हुई है, वहाँ से पानी आ रहा है। देखिए बारिश तो होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि बारिश का पानी हर जगह सप्लाई हो जाए। कोई कोई सी ऐसी फसल होती है जहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए होता है, उस समय बारिश नहीं होती है, तो उस समय पानी अवेलेबल करवाना किसे, क्रॉप्स को, फसल को, जिससे फसल अच्छी उगे, उसे क्या कहते हैं सिंचाई करने को, इरीगेशन। आगे बेटर फर्टिलाइजर्स एंड द मैनर्स। समटाइम्स द सोइल लॉसेस इज फर्टिलिटी ड्यू टू वेरियस रीजंस, बट गुड हार्वेस्ट इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम अ गुड सोइल। हैंस द न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी रिप्लेनिश्ड इन द सोइल फॉर अ बेटर यील्ड। फॉर दिस फर्टिलाइजर्स एंड द मैनर्स आर एडेड टू द सोइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरक क्षमता, ठीक है, हिंदी में। कभी कभी क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो उसकी उपजाऊ, जो उसका उपजाऊपन होता है, जो उर्वरक क्षमता होती है, वो अपनी खो देती है। बहुत से रीजंस होते हैं, कचरा, धुआं, ठीक है, बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं जिससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। और उपजाऊ मिट्टी से अच्छी फसल हो सकती है, इसलिए क्या होता है मिट्टी को समय समय पर एक बेहतर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी क्या हो, इम्प्रूव हो। आगे हम आते हैं रूल्स ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट पेज पे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हमारा जो पार्ट लेसन था, ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आगे का जो लेसन है हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड बाय।